brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत आज दुनिया के हर सेक्टर में छलांग लगा रहा है, चाहे रक्षा क्षेत्र हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर। इसका श्रेय भारत की उन प्राइवेट कंपनियों को जाता है जो लगातार रक्षा के क्षेत्र में भारत को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के लिए जल्द ही आने वाली एक नए जमाने के ट्रांसपोर्ट विमान की। इस रेस में कई बड़ी कंपनियां तो पहले से ही दौड़ रही थी, लेकिन अब भारत की प्राइवेट महिंद्रा एरोस्पेस ने भी इसमें जोरदार एंट्री मार ली है। कुछ दिनों पहले महिंद्रा एरोस्पेस की एक खास टीम ब्राजील गई। ये कोई मामूली विदेश दौरा नहीं था, उनकी ये यात्रा सीधे तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए हो रहे MTA यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ब्राजील में क्या खास है, तो जरा सुनिए। ब्राजील की जानी मानी कंपनी एम्बरर है जो धांसू C-390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाती है। ये C-390 ही भारतीय वायुसेना के MTA प्रोग्राम के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है। तो महिंद्रा एरोस्पेस की टीम सीधे एम्बरर की फैक्ट्री गई। वहां जाकर उन्होंने न सिर्फ C-390 को देखा परखा, बल्कि इसकी खूबियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। ये टीम समझना चाहती थी कि आखिर इस विमान को कैसे बनाया जाता है। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इसी साल की शुरुआत में महिंद्रा एरोस्पेस और एम्बरर ने एक बड़ा करार किया था। इस करार के तहत अगर भारतीय वायुसेना C-390 को चुनती है तो इसे सीधे भारत में ही बनाया जाएगा। इस तरह से महिंद्रा एरोस्पेस ने एक तरफ भारतीय वायुसेना को एक बेहतरीन विमान का ऑप्शन दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत में ही विमान निर्माण को बढ़ावा देने की भी ये कोशिश है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एम्बरर ने भी भारतीय वायुसेना को लुभाने के लिए एक खास ऑफर दिया है और कहा है कि अगर भारतीय वायुसेना को C-390 में कोई खास बदलाव चाहिए तो वो उसे करने के लिए तैयार है। मान लीजिए भारतीय वायुसेना को थोड़ी ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी चाहिए या फिर किसी खास तरह के हथियार को ले जाने की सुविधा चाहिए तो एम्बरर ये बदलाव करके देगा। इस फ्लेक्सिबिलिटी से C-390 को इस रेस में एक फायदा मिल जाता है। हालांकि ये तो अभी शुरुआत है, आखिरकार ये फैसला भारतीय वायुसेना का ही होगा कि वो किस विमान को चुनती है। आगे आने वाले कुछ महीनों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि महिंद्रा एरोस्पेस की इस दमदार पेशकश ने भारतीय वायुसेना के लिए नए विकल्प खोल दिए हैं। इससे न सिर्फ भारत को एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट विमान मिलने की उम्मीद है, बल्कि भारत में विमान निर्माण को भी एक नई रफ्तार मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।